नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं पाठ संख्या 10 पर, और पाठ संख्या 10 का शीर्षक है पियानो से परमाणु तक। यहाँ हमें दी हुई है बच्चों चित्र पर आधारित गतिविधि। तो क्या है इसमें? नीचे दिए गए महान वैज्ञानिकों के चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखो। ये यहाँ पर महान वैज्ञानिक है सारे, आपको इनके चित्रों को पहचानना है और इनके नामों को लिखना है। तो ये गतिविधि आप स्वयं करेंगे। अब हम करते हैं पाठ में प्रवेश। तो ये पाठ है किसके बारे में? ये पाठ है प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रामण्णा के जीवन के बारे में। विज्ञान को सर्वोच्च महत्व देकर, सबसे ऊंचा महत्व देकर भारत ने सदैव दुनिया की राह आसान की है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा है। पाठ के द्वारा प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रामण्णा के जीवन के कुछ प्रसंगों से प्राप्त प्रेरणाओं के बारे में बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। यह एक ऐसे बालक की कहानी है जिसे संगीत की दुनिया ने खोया और विज्ञान की दुनिया ने पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि रामण्णा की जो रुचि थी वो संगीत में भी बहुत ज़्यादा थी। वो संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे। वह बालक छोटी उम्र से ही पियानो बजाता था और बड़े बड़े संगीत कार्यक्रमों में पियानो वादन के लिए बुलाया जाता था। लोग उसके संगीत की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। उन्हें आश्चर्य होता कि छोटा सा बालक इतना बढ़िया पियानो कैसे बजा लेता है। उसके कुछ प्रशंसक ऐसे भी थे जो उसके पियानो वादन के हर कार्यक्रम में पहुंच जाते थे। वह बालक अपने माता पिता के साथ मैसूर राज्य में रहता था। उस समय मैसूर के महाराजा कृष्णा राजा वाडियार चतुर थे। महाराजा वाडियार संगीत प्रेमी थे और उन्हें भारतीय और पश्चिमी संगीत का अच्छा ज्ञान था। जब महाराजा को उस बालक की संगीत प्रतिभा का पता चला तो उन्होंने उसे राजभवन में पियानो बजाने का अवसर प्रदान किया। यह बात सन 1937 की है। उस बालक के पियानो वादन को सुनकर महाराजा उसके संगीत के ऐसे प्रशंसक हो गए कि उसे राजभवन के संगीत कार्यक्रमों में पियानो बजाने के लिए बुलाया जाने लगा। उसे एक कार्यक्रम के लिए 200 रुपये दिए जाते थे, जो उस समय बहुत बड़ी राशि थी। संगीत के साथ साथ वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। संगीत के प्रति उसके लगाव और उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसके परिवार ने उसे संगीत के क्षेत्र में ही शिक्षित प्रशिक्षित करने का फैसला किया। उसे लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका भी मिल गया और इसके लिए उसे छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। उस बालक का नाम था रामण्णा। उसका परिवार संपन्न तो था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि उसके लंदन जाने रहने का पूरा खर्चा वहन कर सकें। इस हेतु उसने महाराजा से आर्थिक सहायता का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने तुरंत मानते हुए 7,000 रुपये की राशि मंजूर कर दी। अब वह बालक अपने सपने को पूरा करने की तैयारी में लग गया। वह बालक सोते जागते संगीत के ही सपने देखा करता था। उसका परिवार अब बहुत खुश था कि उनके बच्चे का एक प्रशिक्षित संगीतज्ञ बनने का सफ़र शुरू होने वाला है। लेकिन इस बीच महाराजा बीमार पड़ गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद रामण्णा को राजदरबार से वह राशि नहीं मिल पाई। उसका संगीत की उच्च शिक्षा लेने का सपना टूट सा गया, पर वह नहीं टूटा। वह पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गया और उसने अपने पियानो बजाने के शौक को भी जारी रखा। अब वह विज्ञान का छात्र था। कभी कभी किसी आदर्श व्यक्ति से केवल एक मुलाकात भी जीवन की दिशा बदल देती है। ऐसा ही कुछ उस बालक के साथ हुआ।
बात सन 1944 की है। एक दिन उस बालक को मैसूर के प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा से मिलने का अवसर मिला। भाभा ने उस बालक का पियानो वादन सुना और उसकी बहुत प्रशंसा की। फिर विज्ञान के विषय पर बात हुई। बातचीत में भाभा ने जब उस बालक की भौतिकी के प्रति विशेष रुचि देखी तो उन्हें नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी। यहीं से उस बालक के जीवन में एक नया मोड़ आया। 1945 में भाभा के प्रोत्साहन से उन्होंने J.N. टाटा स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली। इससे उन्हें किंग्स कॉलेज लंदन में नाभिकीय भौतिकी में PhD करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत वापस आकर उन्होंने वर्ष 1949 में मुंबई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR कहते हैं इसे बच्चों में नाभिकीय वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। तो उन्होंने PhD के बाद मुंबई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में नाभिकीय वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर को शुरू करा। पियानो की धुन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाले उस बालक के जीवन में ऐसा अवसर भी आया जब उसने परमाणु को तोड़कर अपने देश का नाम उस समय के परमाणु शक्ति संपन्न 5 देशों में सम्मिलित करवाकर देश का गौरव बढ़ाया। परमाणु को तोड़ने की वह ध्वनि पूरे विश्व में गूंजी। हम भारतीयों के लिए तो वह ध्वनि एक कर्णप्रिय संगीत था जिसने हम सबको आनंदित करने से भी बढ़कर गौरवान्वित किया। उसका नाम था राजा रामण्णा। राजा रामण्णा का जन्म 28 जनवरी 1925 को तुमकुरु कर्नाटक में हुआ था। उनका पूरा नाम बिंदी गणविले कृष्णा राजा रामण्णा था। अपनी मौसी राजाम्मा के नाम से राजा शब्द लेकर उन्होंने अपने लंबे नाम को छोटा राजा रामण्णा कर दिया था। उनके पिता का नाम बी रामण्णा था जो जिला न्यायाधीश थे। उनकी माता का नाम रुक्मिणी अम्मा था जो अंग्रेजी भाषा की ज्ञाता और कवयित्री थी। वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। राजा रामण्णा की आरंभिक शिक्षा दलवाय स्कूल मैसूर और गुड शेपर्ड कॉन्वेंट तथा बिशप कॉटन स्कूल बेंगलोर अब बंगलुरु में संपन्न हुई। उन्होंने इंटरमीडिएट सेंट जोसेफ्स बेंगलोर से किया और फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज ताम्बरम से भौतिकी में BSc ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे J.N. टाटा स्कॉलर के रूप में अनुसंधान के लिए इंग्लैंड चले गए और वहाँ किंग्स कॉलेज लंदन से 1948 में नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिशन में PhD की डिग्री प्राप्त की। 1947 में उन्हें लंदन में पुनः डॉक्टर जहांगीर भाभा से मिलने का मौका मिला। इस मुलाकात में डॉक्टर भाभा ने उनके सामने PhD पूरी करने के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में काम करने का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। देश में नाभिकीय भौतिकी उच्च ऊर्जा भौतिकी आदि पर मौलिक अनुसंधान के लिए सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से 1945 में TIFR की स्थापना की गई। भाभा इस संस्थान के पहले निदेशक बने। TIFR मुंबई को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पालना माना जाता है। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को महत्व देते हुए 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और डॉक्टर भाभा को इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। रामण्णा को अपनी थीसिस जमा करने के बाद विस्तृत अध्ययन हेतु नवगठित परमाणु ऊर्जा आयोग से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। वे आगे
एक साल के लिए लंदन में ही रुक गए। लंदन प्रवास के दौरान उनका संगीत प्रेम उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक की ओर ले गया, जहां उन्होंने अपना पंजीकरण कराकर सायंकालीन कक्षा में पियानो के पाठ लेने शुरू कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने बचपन के सपने को भी पूरा कर लिया। रामण्णा ने स्वदेश लौटकर दिसंबर 1949 में TIFR मुंबई में कार्य करना शुरू किया। होमी जहांगीर भाभा ने उन्हें दो कमरे का फ्लैट दिलवाया, एक कमरा उनके लिए और दूसरा उनके पियानो के लिए। भारत सरकार द्वारा जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की स्थापना की गई। अब रामण्णा इस प्रतिष्ठान में आ गए और यहाँ भौतिकी दल के निदेशक के रूप में कार्य करने लगे। इसी वर्ष परमाणु ऊर्जा विभाग का भी गठन किया गया। 1957 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान में एक ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को तैयार करना और साथ ही प्रतिभा पलायन को रोकना था। भाभा के नेतृत्व में भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तेजी से प्रगति कर रहा था कि अचानक 24 जनवरी 1966 को एक हवाई दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन हो गया। देश और विज्ञान के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात था। ऐसे समय में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारियों को संभाल रहे विक्रम साराभाई को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बागडोर सौंपी गई। भाभा की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क नाम दिया गया। साराभाई ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए भाभा के कार्यों को आगे बढ़ाया। देश में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ ही रहे थे कि 30 दिसंबर 1971 को साराभाई का भी आकस्मिक निधन हो गया। देश ने बहुत ही कम अवधि में अपने दो महान वैज्ञानिकों को खो दिया, जो कि अपूर्णीय क्षति थी। साराभाई की मृत्यु के बाद 1972 में होमी नौशेरवानजी सेठना को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही रामण्णा को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक बनाया गया। रामण्णा ने देश में अनुसंधान रिएक्टरों के निर्माण से लेकर उनके संचालन के सभी चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का डिज़ाइन तैयार करने वाली टीम के प्रमुख सदस्य थे। इस रिएक्टर के ज़्यादातर कलपुर्जे बनाने की जिम्मेदारी रामण्णा को सौंपी गई थी। यह एशिया का भी पहला रिएक्टर था। यह स्विमिंग पूल किस्म का था, इसलिए इसे स्विमिंग पूल रिएक्टर भी कहा जाता है। 1 मेगावाट क्षमता के इस रिएक्टर को 1 वर्ष से भी कम अवधि में तैयार कर 4 अगस्त 1956 को चालू कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद 1960 में साइरस, 1961 में जर्लीना और 1972 में पूर्णिमा रिएक्टर चालू हुए। 18 मई 1974 ऐतिहासिक दिन रहा, जब भारत ने राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण संपन्न किया। रामण्णा को इस शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट परियोजना का दायित्व सौंपा गया था। इस परीक्षण की पूर्ण सफलता ने पूरे विश्व को चकित कर दिया। निश्चय ही देश के लिए यह एक गौरवशाली दिन था। रामण्णा 1978 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बनकर दिल्ली आ गए। 3 साल दिल्ली में रहने के दौरान उन्होंने
DRDO में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 1981 में वे परमाणु ऊर्जा विभाग में अनुसंधान एवं विकास कार्य के सचिव और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में वापस लौटे। रामण्णा 1983 से 1987 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे। जब 1988 में JRD टाटा में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ की स्थापना की तो उन्होंने इस संस्थान के प्रथम निदेशक के पद का दायित्व रामण्णा को ही सौंपा। 1990 में वे भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए। 1990 से 1992 तक वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और फिर 1997 से 2003 तक मनोनीत सदस्य रहे। रामण्णा का संगीत प्रेम तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी जारी रहा। जब कभी मौका मिलता वे देश विदेश में आयोजित संगीत कार्यक्रमों में पियानो वादन करते थे। उन्होंने बैंगलोर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना में भी सक्रिय भूमिका निभाई। संगीत विषय पर उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम्स नामक पुस्तक लिखी। उन्हें संस्कृत भाषा और विषय का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने संस्कृत और विज्ञान पर एक पुस्तक संस्कृत एंड साइंस लिखी। उन्होंने अपनी आत्मकथा ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज शीर्षक से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की। राजा रामण्णा को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पद्मश्री 1968, पद्म भूषण 1973, पद्म विभूषण 1975, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का मेघनाथ साहा पदक 1984, आशुतोष मुखर्जी स्वर्ण पदक 1996 आदि प्रमुख हैं। 1960 से वे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठकों में शामिल होते रहे और अनेक बार बैठकों की अध्यक्षता की। मानवीय गरिमा से परिपूर्ण राजा रामण्णा का पियानो से परमाणु तक का सफर 24 सितंबर 2004 को उनके निधन के साथ समाप्त हो गया। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। और राजा रामण्णा की ये सारी जानकारी हमें किसने दी है? राधाकांत अंथवाल। ठीक है बच्चों, तो अब आपको राजा रामण्णा के जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य पता हैं। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में हमारे लिए आगे क्या है। यहाँ दिए हुए हैं कठिन शब्द जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। विज्ञान, पियानो, कार्यक्रम, वादन, प्रशंसा, प्रतिभा, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, अनुरोध, भौतिकी, प्रोत्साहन, गौरवान्वित, न्यायाधीश, कार्यकर्ता, अनुसंधान, निदेशक, पंजीकरण, स्थापना, प्रतिष्ठान, विशेषज्ञ, निधन, आघात, आकस्मिक, क्षति, क्षमता, विकास, संस्थान, निर्वाचित, सदस्य, व्यस्तता। और उसके ही नीचे हमें दिए हुए हैं शब्द अर्थ जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्यपुस्तिका में लिखेंगे भी। पियानो, पियानो का अर्थ है वाद्य यंत्र या फिर अंग्रेजी बाजा, अंग्रेजी बाजा, हारमोनियम जैसा पियानो। निदेशक, संचालक या प्रबंधक। प्रशिक्षण, किसी व्यवसाय के कौशल के लिए दी जाने वाली शिक्षा ताकि हम किसी व्यवसाय में कुशल बन सकें। नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं संचालन करना। जिला न्यायाधीश, जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी। निधन, मृत्यु या देहांत। आघात, प्रहार, कठोर। अनुसंधान, खोज,
या फिर हम इसे कह सकते हैं अन्वेषण, क्षति हानि, और या फिर हम इसे कह सकते हैं नुकसान। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं पाठ की। बताओ क्या पढ़ा? राजा रामण्णा के पारिवारिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं, बिंदुओं में लिखो। तो हमें इन्हें बिंदुओं में लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। राजा रामण्णा का जन्म 28 जनवरी 1925 में तुकमूर, जो कि कर्नाटक में है, हुआ था। उनका पूरा नाम बिंदी गणविले कृष्णा राजा रामण्णा था। उनके पिता का नाम बी रामण्णा था, जो कि जिला न्यायाधीश थे। राजा रामण्णा ने अपनी मौसी के नाम से राजा शब्द लेकर अपने नाम को छोटा कर लिया था। क्या कर लिया था उन्होंने? राजा रामण्णा। रामण्णा की माँ का नाम रुक्मिणी अम्मा था, जो कि अंग्रेजी भाषा की ज्ञाता थी और कवयित्री भी थी। वो एक बहुत प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। राजा रामण्णा की संगीत में रुचि देखते हुए ही इनके परिवार ने इन्हें संगीत क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का निश्चय किया था। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। रामण्णा अपनी पढ़ाई करने के बाद TIFR तक कैसे पहुँचे? नाभिकीय भौतिकी में PhD करने के बाद भारत वापस आकर सन 1949 में मुंबई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी के TIFR से नाभिकीय वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की। आगे चलते हैं, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान में रामण्णा की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करो। भारत द्वारा जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान यानी के एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की गई और राजा रामण्णा उस प्रतिष्ठान में आ गए और भौतिक दल के निदेशक के रूप में कार्य करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान में एक ट्रेनिंग स्कूल की भी स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को तैयार करना था। और उनके साथ ही साथ उनका उद्देश्य था कि वे प्रतिभा पलायन को रोकें। इसका मतलब है बच्चों, अपने देश में पढ़ के जो लोग बाहर चले जाते हैं अपनी प्रतिभा को लेकर और वो सेवाएं बाहर के देशों को देते हैं, तो इस स्कूल के द्वारा रामण्णा ये चाहते थे कि वह प्रतिभा पलायन रुक जाए, हमारे देश के वैज्ञानिक हमारे देश की ही सेवा करें हमारे देश में रहते हुए। तो चलिए आगे चलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर निर्माण में राजा रामण्णा के योगदान को स्पष्ट करो। न्यूक्लियर रिएक्टर निर्माण में राजा रामण्णा के योगदान को स्पष्ट करो। रामण्णा भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का डिज़ाइन करने वाली टीम के प्रमुख सदस्य थे। इस रिएक्टर के अधिकतर कलपुर्जे बनाने की जिम्मेदारी भी रामण्णा की ही थी। यह रिएक्टर स्विमिंग पूल के आकार का था, तो इसे स्विमिंग पूल रिएक्टर भी कहा जाता है। 1 मेगावाट क्षमता के इस रिएक्टर को 1 वर्ष से भी कम अवधि में 4 अगस्त 1956 को चालू कर दिया गया, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो चलिए आगे चलते हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। किन क्षेत्रों में उत्तम प्रदर्शन के कारण राजा रामण्णा प्रशंसनीय रहे हैं? पियानो और भौतिक विज्ञान में। बालक को म्यूजिक प्रशिक्षण के लिए कहाँ प्रवेश मिला था? लंदन में। वैज्ञानिक भाभा ने किस चीज़ के लिए बालक की प्रशंसा की? पियानो वादन। रामण्णा ने करियर कहाँ से प्रारंभ किया? मुंबई से। आशय स्पष्ट करो। जिसे संगीत की दुनिया ने खोया और विज्ञान की दुनिया ने पाया। इस पंक्ति का अर्थ है
कि बचपन में किन्हीं कारणों से रामन्ना संगीत की पढ़ाई में प्रशिक्षित नहीं हो सके। इसके बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे उनकी रुचि नाभिकीय भौतिकी में बढ़ती गई और वो एक बहुत सफल वैज्ञानिक के रूप में भारत को प्राप्त हुए। तो इसीलिए यह कहा जाता है, जिसे संगीत की दुनिया ने खोया और विज्ञान की दुनिया ने पाया। आगे देखते हैं, बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को तैयार करना और प्रतिभा पलायन रोकना था। इस पंक्ति का आशय यह है कि जब परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान में रामन्ना ने एक ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वहाँ पर बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को तैयार किया जाए और उन्हें काम देकर प्रतिभा पलायन को रोका जाए। उन्हें ऐसा ना लगे कि भारतवर्ष में उनकी प्रतिभा की कोई कीमत नहीं है, उनकी प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं है। तो रामन्ना की कोशिश थी कि यहीं पर भारत में ही बड़ी संख्या में विशेषज्ञ तैयार भी किए जाएं और उन्हें काम भी दिया जाए। आगे चलते हैं, गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। रामन्ना को अपनी थीसिस जमा करने के बाद विस्तृत अध्ययन हेतु नवगठित परमाणु ऊर्जा आयोग से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। वे एक साल के लिए लंदन में ही रुक गए। लंदन प्रवास के दौरान उनका संगीत प्रेम उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक की ओर ले गया, जहां उन्होंने अपना पंजीकरण कराकर सायंकालीन कक्षा में पियानो का प्रशिक्षण लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा कर लिया। अब इस पे आधारित प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। रामन्ना अपनी थीसिस जमा करने के बाद लंदन में ही क्यों रुक गए? चलिए बच्चों, अब आपने गद्यांश पढ़ा है, आप बताइए क्यों रुक गए? वे विस्तृत अध्ययन हेतु नवगठित परमाणु ऊर्जा आयोग से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद एक साल के लिए लंदन में ही रुक गए। तो चलिए आगे चलते हैं, लंदन प्रवास। लंदन प्रवास के दौरान रामन्ना ने अपने किस सपने को और कैसे पूरा किया? लंदन प्रवास के दौरान रामन्ना ने अपने पियानो में प्रशिक्षण लेने के सपने को पूरा किया। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक में सायंकालीन कक्षा में अपना पंजीकरण कराया और वहीं पर पियानो सीखा। जहां चाहा हो वहां राह होती है, रामन्ना ने इसे किस प्रकार सिद्ध किया? छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद वे एक साल के लिए लंदन में ही रुक गए और लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को वैज्ञानिक के तौर पे तैयार किया, अपितु उन्होंने अपने बचपन के सपने को, जो कि पियानो सीखना था, उसे भी पूरा किया। इसी कारण कहा जाता है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। रामन्ना की चाह थी पियानो सीखने की, तो उन्होंने उसके लिए राह भी स्वयं ही खोज ली। आगे चलते हैं, राजा रामन्ना को कब पुरस्कार दिए गए पहचान कर सही मिलान करो। तो 1996 में उन्हें मिला था आशुतोष मुखर्जी स्वर्ण पदक। 1968 में उन्हें मिला था पद्मश्री। 1984 में मेघनाथ साहा पदक। 1975 में पद्म विभूषण और 1973 में वे पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। देश और विज्ञान जगत के लिए बड़ा आघात क्या था? 24 जनवरी 1966 में हवाई दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन देश और विज्ञान जगत के लिए बड़ा आघात था। बाल्यावस्था में रामन्ना के संगीत का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था? बाल्यावस्था में रामन्ना के संगीत से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे।
कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो जहाँ भी रामन्ना का कार्यक्रम होता था तो उनके पियानो वादन को सुनने के लिए हमेशा पहुँच जाते थे। डॉक्टर जहांगीर भाभा से मिले प्रस्ताव के बाद बालक की क्या प्रतिक्रिया हुई? डॉक्टर भाभा ने रामन्ना को पीएचडी करने के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में काम करने का प्रस्ताव दिया, जिसे रामन्ना ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। परिवार ने बालक को संगीत में शिक्षित प्रशिक्षित करने का निर्णय क्यों लिया? बालक की रुचि और प्रतिभा को देखकर परिवार ने बालक को संगीत में शिक्षित प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। तो आशा करती हूँ बच्चों कि अब आपको रामन्ना जी के जीवन के सारे महत्वपूर्ण बातें और तथ्य मालूम हो गई होंगी, और इस पाठ को अच्छे से जानने के लिए आपको स्वयं भी इस पाठ का दोबारा पाठन करना है, और ये है आपका गृह कार्य। आभार।